हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको आईफोन 6 में या फिर आपको आईफोन 6s में किसी भी आपको सिंगल कैमरा आईफोन में या फिर आपको आईफोन 7 प्लस में ही आपको वाइड एंगल वगैरह लेना है तो आप किस तरीके से जो है आप अपने फ़ोन में ऑप्शन इनेबल कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए जरूर सब्सक्राइब, ताकि आपको एक न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के साथ वीडियो कर लेते हैं शुरू। सो सबसे पहले आपको मैं चेकआउट कराऊँ कि अभी जो है हमको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलती। ये मेरे पास है आईफोन 6 एंड अब जो आप चेकआउट कर सकते हो, हम इसको जूम करना हो तो हम वो दोस्तों कर सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पर 0.5x की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती। सो सिंपली हमको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलती, तो आपको मैं जस्ट चेकआउट करा दूँ। अभी मेरे पास आई है फोन 6s है, ये 12.5.3 के ऊपर जो है अभी रन कर रहा है। आप सिंपली चेकआउट कीजिए एंड देन आपको करना क्या है कि जैसे कि मेरे पास यही ऑब्जेक्ट है पेरिस का, एंड देन इसके ऊपर इसकी मैं अगर फोटो क्लिक करना चाहूँ तो सिंपली आपको दिखा दूँ कि जैसे कि मैं अभी इसकी फोटो जो है इस तरह से क्लिक करता हूँ तो मुझे कोई भी तो वाइड एंगल की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती। आप चेकआउट कर सकते हो, ये है मेरी नॉर्मल फोटो। एंड देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है पैनो की, इस ऑप्शन के ऊपर आपको जो है सिलेक्टर कर देना है। देन आपको यहाँ पर एक कुछ इस तरह से जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है। देन आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है उसको आपको जो है अपने बिल्कुल नॉर्मल से अपने हाथों के उसको टच करना है। देन आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रोल अप करते जाना है एंड देन आपको ध्यान में रखना कि आपकी क्या फ़ोन काफ़ी सारा सीधा हो। तो सिंपली जैसे कि मैंने अभी इसको यहाँ पर कट कर दिया एंड आपको चेकआउट करा दूँ कि यह है मेरी नॉर्मल फोटो एंड देन इसको मैंने खींचा है पैनो के ऊपर एंड आप चेकआउट कर सकते हो। फ़ोन का बॉक्स भी काफ़ी सारा है, देन कंप्यूटर की डिस्प्ले है वो भी दोस्तों, स्क्रीन है वो भी दोस्तों काफ़ी सारी आई है। तो सिंपली मैंने जो है इसका कुछ अच्छी तरीके से जो है शॉट नहीं क्लिक किया था, आपको जस्ट अभी मैं अपनी फिर से एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली जस्ट टूल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप इसी तरीके से जो है आप अपने फ़ोन में भी अपनी जो है फोटोज है वो दोस्तों क्लिक कर सकते हो, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह हो आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। सिंपली आप ये फोटो चेक कीजिए एंड देन आपकी ये फोटो काफ़ी सारे जो है कंपेयर हमारे दोस्तों आ जाते हैं। ये हमारी दोस्तों नॉर्मल फोटो थी एंड देन ये मैंने पैनो के ऊपर जो है क्लिक की है। आप इस तरीके से जो अपने फ़ोन में फोटो जो है क्लिक कर सकते हो पैनो के ऑप्शन में, आप अपने वाइड एंगल आपको पता नहीं चलेगा कि आपने ये फोटो वाइड एंगल में खींचा है या फिर आप अपने पैनो के ऑप्शन से क्लिक की है। सो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को जो लाइक करना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स सो मच।